रात हुजूर के दर से मिली है, जिनको मिली है रात हुजूर के दर से मिली है, वो लोग जिनकी मुआशरे में कदर नहीं है, आज सूफी साहब कदर की निगाह से देखता है। जुलियस का सवाल फिर देखिए, सकता था, लेकिन यहाँ दर्शे इजहार है कि उन नेमतों का इजहार करो, और इस इजहार के तरीके हैं कि कैसे इजहार करते हैं, कैसे इजहार करते हैं, और इजहार के तरीके ये भी हैं, खुशी के तरीके हैं, मोहब्बत के तरीके हैं, और बड़ी खुशी के साथ देखें और देखें सूफी मुमकिन बद्री साहब पूरी कर रहे हैं, और ये पूरी ख्वाहिश होनी चाहेंगे, और ये बड़ी बात है, मोहब्बतों के इजहार हैं, अकीदतों के इजहार हैं, कि जिनका होना मुआशरे में बहुत जरूरी है, और हमने ये सोचा ही नहीं है, हम इसको सोचते हैं इस बात को, और देखते हैं इस बात को कि हम अपने आप को कहां तक लेके जाना है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे नजरिया कैसे होने चाहिए। हमने माशाल्लाह अल्लाह का खास कर्म है, सूफी वेलफेयर सोसाइटी पर ख्वाहिश की तकमील हो रही है, तकमील ख्वाहिश जब होती है क्या ही बात है। और यकीनन और हमने इस अंदाज को देखा, प्यासों के जिस समंदर को देखा, मोहब्बतों के जिस समंदर को देखा, तो आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं।
सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब और इनकी जो सोसाइटी है उसने खूब उसका एहतमाम किया। आपको वाकई सरकार से मिला है, सरकार से जो मिला है आप बांट रहे हैं, तो ये बांटना कैसा लगता है आपको? मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, मेरा दिल इतना गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है और मुझे इतनी खुशी हो रही है हद से ज्यादा। मैंने जो पौधा लगाया आज उसको फूल लगे हुए हैं, आज उसको फल लगे हुए हैं। अभी आपने देखा कि माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा घोड़े पे बैठे, उसके बाद खुशी के आंसू थे। मैंने उससे सवाल किया कि और कोई तेरी ख्वाहिश, तो उसने कहा मेरे बेटे को कार में बिठाओ, तो हमने उसको कार में बिठा के माँ और बेटे को दोनों। मोहम्मद अनवर मदनी साहब ने इसका एहतमाम किया है, इस एहतमाम को आप देख सकते हैं। आप नाज़रीन माशाल्लाह और खूब आका अलैहि सलाम का जिक्र जारी है, हम्द खुदा जारी है और खूबसूरत एहतमाम के साथ आगे बढ़ने का जज्बा है जिसको देखा जा सकता है। सूफी साहब माशाल्लाह नाज़रीन ये मोहब्बतें देखें, ये चाहते देखें, बिल्कुल खुश है तू। हाँ जी, तेरी तोको के मुताबिक इस्तकबाल होया है, आज तेन पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तेरा ब्याह तेरी शादी आज 100 किन्ने मुल्कों में देखी जा रही है, अरबों लोग जड़े ने तेन डायरेक्ट देख रहे हैं, जो कैमरे वाला है तेन डायरेक्ट पूरी दुनिया में तेरी शादी। आप खुश है? ये मैं खुश हूं। कितने खुश है? बहुत खुश है। ये खुशी होनी चाहिए, आप नाज़रीन देख सकते हैं, नाज़रीन नाज़रीन ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये फैमिली है कि जिनकी शादी का एहतमाम सूफी साहब ने किया और इनके चेहरों पे खुशी है, इनके घरों में खुशी है, इनके दिलों में खुशी है कि आज सूफी साहब ने इनके साथ जो सलूट पड़ता है माशाल्लाह। आप कितने खुश हैं आज? आज बहुत खुश हूँ। सूफी साहब के लिए आपके लिए क्या अल्फाज है, किना लफ्जों के शुक्रिया अदा करो? बहुत खुश। नाज़रीन आप देख सकते हैं रातों के आने का और फिर आगे जाने का सिलसिला जारी है और हमारा और आपका साथ है, ये मोहब्बतों का साथ है, ये भी जारी है और इंशाल्लाह इस साथ में बहुत कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, चाहत है, मुसरत है, खुशी है और यकीनन वो सब कुछ है कि जो आप चाहते हैं महसूस करना चाहते हैं। मुआशरे से नफरतों को हटाओ, मायूसियों को हटाओ, नाउम्मीदियों को हटाओ और उम्मीद के, चाहत के, मोहब्बत के मोती बिखेरने का वक्त है और खुशबुओं के बीज बोने का वक्त है ताकि मुआशरा खुशी के साथ झूम उठे और झूमने के साथ साथ मुआशरा आगे बढ़े। सेरा चुको दूल्हा साहब है, घोड़े पे सवार हैं सूफी अनवर मदनी साहब, इस्तकबाल कर रहे हैं और घोड़े की जो रुकाब को भी पकड़ा हुआ है और सारे चाह आज पूरे हो रहे हैं जिन्हें होने चाहिए थे। और यकीन है नाज़रीन और
अल्लाह का खास करम खास फजल है। इधर नाज़रीन हम बात करेंगे हासलपुर के इज्तिमाई शादियों का। बहुत बड़ा किरदार सफर भाई, मैं जब पिछले साल आया अपनी टीम के साथ तो माशाल्लाह धमाल डाल रहे थे, लुटी डाल रहे थे और बड़े खुश थे। सफर भाई का एक बड़ा मंजर था महफिल में भी और यहाँ भी। आज तकरीब का एहतमाम करते हुए इनको चोट आ गई है, और क्या ये चोट खुशियों के आड़े आ गई है या ये वैसे खुश है आप? चोट आना मैं कह रहा हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि किसी अच्छे काम की वजह से मुझे चोट आई है, ठीक है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाकी सारे लोग जो भंगड़े धमाले डाल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा ये कभी महसूस कर रहा हूँ कि काश मेरा पाँव भी ठीक होता चले। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे राज़ी हैं। मेरे पापा जान उन्होंने मेरे लिए स्पेशल दुआ की है और उनकी दुआएं मेरे साथ हमेशा साथ, मेरे हौसले बुलंद हैं। बेशक चोट लगी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर लिहाज से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। नाज़रीन ये जज्बा है, जब ये जज्बा होगा तो व्हील चेयर पर बैठ के ये पाँव पे मोच है ये देखें और फिर इसके बावजूद यहाँ पर बैठे, ये जज्बा जब पैदा होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये असल खुशी है कि जिसका कोई नेमल बदल नहीं, कोई अल्फाज नहीं है। और माशाल्लाह सफर भाई अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये आगे फैलाते रहे इस कारवां को, इस माशाल्लाह इन चीज़ों को। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, असल यही है दर्द दिल, यही है दर्द दिल के लोगों से मोहब्बत का जो जज्बा है वो कम नहीं होता, हालात कैसे भी क्यों ना पैदा हो जाए। आज ज़ाहरी तौर पर ये चल नहीं सकते, इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद चलेंगे, अल्लाह की ज़ात खास करम फरमाएगी, मगर आज के दिन की जो सेलिब्रेशन है वो वैसे ही है, वैसे ही है जैसे सफर भाई पहले लूटी भी डालते थे और बड़ा खुश होते थे, बड़ा इस्तकबाल करते थे। आज यहाँ है, अल्लाह की खास हिकमतें होती हैं, हिकमतें होती हैं, उसके खास कर्म होता है और अल्लाह को ये मंजूर था, लेकिन अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहते हैं इंशाल्लाह सब कर्म हो गए। शायद मेरा इम्तिहान है, अल्लाह पाक मुझे इसी इम्तिहान में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, मेरे बुजुर्ग और अल्लाह के रसूल मुझसे राजी हो जाए, मेरे हौसले बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथी सारे जो फुल जोशोखरोश से सभी दोस्तों का इस्तकबाल कर रहे हैं, हमारा बस नहीं चल रहा, हम इनके लिए और क्या क्या करें। बस हमने हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ सजा खड़ी की हैं, बग्घी खड़ी की है, घोड़ी खड़ी की है, बैंड बाजे तरह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कोशिश कर रहे हैं, मनों के हिसाब से फूल मंगवाए हैं, लेकिन दिल को फिर भी सुकून नहीं आ रहा कि काश इनके लिए, हमें गरीब यतीमों के लिए कुछ और भी कर सकें। तो आप जो भी हाजिरी नाजरीन सब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा करने की तौफीक अता करे। आमीन। बिल्कुल नाज़रीन, जब हौसले बुलंद होते हैं तो अल्लाह की ज़ात भी खास करम फरमाती है, जो निकलने का जज्बा रखते हैं उन पे खास करम होता है, जो उम्मीद के जहान में रहते हैं उनकी ज़िंदगी के अपने रंग होते हैं। माशाल्लाह जफर भाई हैं, शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा अहतमाम करते हैं, बड़ी मोहब्बतों वाले हैं माशाल्लाह जी। शहजाद भाई आपसे भी हम बात करते हैं और आप भी बताइएगा कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। जफर भाई आज अपनी मौज में नहीं है तो ये कैसा लग रहा है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमान नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है और इनका प्यार जो है ना वो हमें सारा साल नहीं भूलता असलपुर वालों का। तो ये अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी है कि रौनकें लगी हुई हैं। माशाल्लाह जफर भाई दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी अता करे, और जो इंसान है चोटें आती भी हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल इनका बहुत बड़ा, हिम्मत नहीं आ रहे। और माशाल्लाह जितने भी इनके वर्कर हैं दोस्त हैं असलपुर वाले, सूफी साहब से बहुत प्यार करते हैं मेरे बुजुर्गों से, और अल्लाह पाक इनके माल जान में बरकत अता फरमाए। और ये जो सिस्टम है शादियों वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूफी साहब देख रहे हैं आप, हर दूल्हे का इस्तकबाल कर रहे हैं कैसे जैसे अपने बच्चों का कोई बाप करता है, और हमें भी इतनी अल्लाह पाक हमें भी इनके सदका वसीला से हिम्मत दे ये काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की, और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और इनकी दुआएं हमारे साथ। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी जफर भाई की, शहजाद भाई की, और माशाल्लाह बुलंद हौसले हैं और अज़्म जवा है और नीयत दुरुस्त है और मखलूक़े खुदा का जज्ब की खिदमत का जज्बा वो सीनों में मचल रहा है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो
तो यकीनन भी बहुत अच्छा होता है। आइए हम आपको लिए चलते हैं वो मुख्तलिफ मुकामात के जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहेज का जो सामान है इसको हम कह देते हैं जहेज की बजाय ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, जो आम इंसान को जिसकी ज़रूरत होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। माशाल्लाह सूफी वेलफेयर सोसाइटी के जरिए तमाम सब जो आम शख्स को जिसकी ज़रूरत होती है सब चीज़ें मौजूद हैं, ये मंजर देख सकते हैं। और यकीनन ये मंजर ऐसा है जो बड़ा दीदरी मंजर है, मोहब्बतों वाला मंजर है। और बारातों की आमद का सिलसिला जारी है और ये कब तक जारी रहेगा, जब तक 50 का फिगर कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन जज्बा वैसा ही है, सोच वैसी है, रंग वैसा है, मगर असल जो बात है कि प्यार सोसाइटी में प्यार का जज्बा आम होना चाहिए, मोहब्बतें आम होनी चाहिए और चाहते आम होनी चाहिए, फिर कहीं जाकर बात बनती है, फिर हालात बदलते हैं, सोच बदलती है। जब हर कोई ऐसा चाहेगा तो यकीनन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज सूफी अनवर मदनी साहब के साहबजादे मदनी साहब मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। आज आप दोबारा बताइएगा कि यहाँ हसलपुर की सरजमीन पे खुशी है और यह खुशी को सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है। हमें इस मामले में बहुत खुशी होती है कि हम इनको अपने बहनें समझ के, जैसे मेरे वालिद साहब की ये बेटियां हैं तो हमारी ये बहनें हैं, तो हम बड़े इससे हमें बड़ी खुशी महसूस होती है जब हम यहाँ पे आके इनको सर्व करते हैं और यहाँ पे आके खिदमत करते हैं, तो हमें इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। और हम चाहते हैं कि भाई हम इसी तरह इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर और लोगों की खिदमत करें, गरीब लोग जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस किया जाए। बिल्कुल। और बताइएगा कि आप अपने वालिद साहब के मिशन को जारी रखने की नियत रखते हैं। जी बिल्कुल, हम अभी इसी मिशन में हैं कि इंशाल्लाह जो वालिद साहब कर रहे हैं तो इसको हम इंशाल्लाह आगे और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब की भी ख्वाहिश ये है कि भी एक दफा इज्तमाही 1000 का जी कर लेंगे, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं कि भाई इस मिशन को हमें इंशाल्लाह पूरा करना है। क्या पैगाम? जी मेरा पैगाम यही है कि जैसे मुसलमान मुसलमान का भाई है तो हर किसी को अपने तौर पे जितना कुछ कर सकता हो अपने तौर पे दूसरे लोगों के लिए करना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब अपराध हैं, जो इस कौम के, इस दुनिया के गरीब अपराध हैं, उनको ये कभी महसूस ना हो कि हम लोग पीछे रह गए किसी से। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी सूफी साहब के साहबजादा साहब और उनके साथ जो रफ़क़ा हैं मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और हमारे साथ माशाल्लाह हम ये मंजर देख सकते हैं कि बारातों की आमद का सिलसिला भी जारी है और बारातों की आमद का सिलसिला जारी है। एक और बारात आई है और देख सकते हैं मौजूद है सूफी साहब, आप देख सकते हैं। सूफी अनवर मदनी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं और आमद के सिलसिला जारी है। और नाज़रीन यकीनन ये खुशी के लम्हात हैं और सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब
माशाल्लाह वो जो घड़ी है दूल्हा को पहना रहे हैं और खूब इनका इस्तकबाल भी जारी है, बारातों की आमद का सिलसिला जारी है, इस्तकबाल भी जारी है। जो जो बारातें आ रही हैं तो तो जोश बढ़ता चला जा रहा है, जोश कम नहीं हो रहा, तो जोश जीतनी। इनसे पूछा है कि आपने घोड़ी पे बैठना है, बगी पे बैठना है, कार पे बैठना है, कहता है जी मेरा चाह है कि मैं बगी दे पाऊँ जी, तो बगी दे बैठा के दे यहाँ। और नाजरी बिल्कुल देखिए कि जो ख्वाहिश उन्होंने की है सूफी साहब वो ख्वाहिश पूरी करने लगे हैं, इस भाई को बग्घी पे बिठाने लगे हैं। और बिल्कुल नाजरीन ये वो अल्लाह वाले हैं, जो इनसे मांगे वो देते हैं और इन्होंने तो बग्घी पे बैठना मांगा। माशाल्लाह खुशी आपको मुबारक हो। और अब देखिए ये मंजर हमने भी जिंदगी में नहीं देखे, तो सूफी साहब माशाल्लाह हमें ये मंजर दिखा रहे हैं। और नाज़रीन माशाल्लाह ये अकीदत और मोहब्बत का इजहार है जिसका सिलसिला जारी है। और माशाल्लाह जो यहाँ पर नाथ्वाज हैं वो भी अपनी हाजिरी भरपूर लगवा रहे हैं माशाल्लाह, और हर तरह का अहतमाम भी कर रहे हैं और होना चाहिए। यकीनन सिलसिला जारी है, वो जारी रहेगा। हमने जिंदगी चीजों को देखना है कि जो बड़ी अहम चीजें हैं, जो प्यार वाली चीजें हैं, सोसाइटी का बदलने का जज्बा, आगे बढ़ने का हौसला, कुछ करने की हिम्मत, अच्छी नीयत, इन्नमल आमालु बिनियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और माशाल्लाह जिनकी नीयतें अच्छी होती हैं उनके सब कुछ अच्छा होता है। ये आप देख सकते हैं कि जिंदगी में आकर इस्लाम का जिक्र करना, हमद खुदा का जज्बा ये जारी है। और ये सारे नाथवां हैं, ये देख सकते हैं नाथवां हजरात हैं जो नाथानी भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं और जिक्र का सिलसिला भी जारी है। देश है, मोहब्बतों का देश है कि सब अहबाब मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी का एहसास है। आप खूब पढ़ रहे हैं, पढ़े और देखिए सूफी साहब के साथ सकते हैं नाज़रीन मंजर। हमने अपने आप को भी इसी रंग में जब ढालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बड़ा हो। आज मोहम्मद सूफी और मदनी साहब मौजूद हैं और नाज़रीन माशाल्लाह नाज़रीन देखिए इनके जो सेहरे हैं वो उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन डायरेक्ट शादी देखी जा रही है और अरब लोग जरा तू देख हमें पता है कि रात भर महफिल में रहे, रात भर सफर किया, थकावट के आसार नहीं है और ये क्या है सूफी साहब आप थकते नहीं? अल्लाह का ये बड़ा करम है, जब रूहानी खुराक मिलती है तो इंसान ताकतवर हो जाता है। मेरी उम्र 58 साल है लेकिन अल्लाह का करम है जब मैं किसी महफिल में बैठता हूँ या ऐसे फंक्शन में बैठता हूँ तो मैं जवान हो जाता हूँ। अल्लाह के मैं अगर थोड़ा सा भी काम करूँ मेरी पसीना और मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन अल्लाह का इतना करम है, सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अनायत है, उनकी शफकत है, उनका शफकत की दस्त मुबारक मेरे पीछे है और मुझे मैं जवान हो जाता हूँ। जब ऐसे मामला होते मैं जवान हो जाता हूँ। रात भर महफिल में, दिन भर फंक्शन पे सफर, ये चीजें हैं जो कि आम इंसान नहीं कर सकता, वाकई जो अल्लाह के वली होते हैं उन पे खास करम होता है। ये अल्लाह का बड़ा करम और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ये देखो कैसा मेला लगा हुआ है, ऐसा मुझे खुशी हो रही है, इंतहा नहीं है जितना। वैसे ही आदमी जवान हो जाता है। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब, सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब मौजूद हैं और मैं भी बग्घी पे सवार हूँ
और पहली दफा बगी पे सवार हुआ हूँ। सूफी साहब है, दूल्हा हमारे पर मौजूद है यहाँ पर, और माशाल्लाह ये एक बड़ा खास मंजर है। और इस मंजर में कुछ भी हो सकता है, खुशी में इंसान गिर भी सकता है, उठ भी सकता है, और जब गिरना उठना लगा रहता है तभी कुछ बनता है ना, ऐसे कुछ नहीं बनता। तो इसलिए जरूरी था कि जब ये चलती है तो धड़कन भी तेज चलती है, लेकिन जब ये रुकती है तो फिर मामला रुक जाते हैं। और सूफी अनवर मदनी साहब जो दुल्हा है उनको माशाल्लाह बग्घी से नीचे उतरने का वक्त आन पहुंचा है, उतरिए और आगे बढ़िए, रब्बुल मंजिल की जानिब जाइए। जी पहने आया और नजरिया आप देख सकते हैं कि ये चाहत है, ये बात है, ये मोहब्बत के अंदाज है माशाल्लाह। और सूफी साहब फरमाइएगा, आप फरमाइएगा कि ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह, कि जिनकी मुआशरे में कदर नहीं आपने उनको कदर बढ़ा दी है। ये कैसा, ये सुन्नत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हजरत हबशा का जो हमारा सैयदना बलाल थे, जो सैयदना बलाल थे उनको आपने इज्जत दे के उनको अरूज दे दिया, उनको सैयदना बलाल बना दिया। ये वही सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मसाकीन और गरीबों को इतनी इज्जत दो कि वो सैयद लगे और उनको एहसास हो, उनको ये एहसास ना हो कि हम गरीब और मस्कीन हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं। आज मैं हर मस्कीन के साथ कंधे के साथ कंधा, हाथ के साथ हाथ मिला के बैठा हूँ, उनको अपने से ज़्यादा इज्जत देता हूँ, इसलिए कि उनका ये एहसास वही सैयदना बिलाल की सुन्नत है। साफ फरमा रहे कि हजरत बिलाल हबशी को मेरे आका ने उन पे करम किया, उनको नवाज दिया, और जिन जिन पे करम करते हैं फिर नवाजते हैं, नवाजशात की बारिश बरसाते हैं, और दुनिया को बताते हैं कि ये हमारा हो गया, हम इसके हो गए हैं। और फिर हमने अपने आका की जात को देखा है कि जो जात नवाजती है, खूब नवाजती है, फिर जो उस राह पर के राही होते हैं उसी अंदाज को अपनाते हैं, उसी अंदाज से आगे बढ़ते हैं, और मुआशरे को अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाते हैं, और मुआशरे के गम दूर करते हैं, मायूसियां दूर करते हैं, ना उम्मीदियां दूर करते हैं, खुशी के बादल बरसाते हैं, चाहतों के बादल बरसाते हैं। कोहे नूर न्यूज पे आप देख रहे हैं, ये समा बंधा है, हासनपुर की सरजमीन है, और ये शादियों की तकरीब जारी है, खुशी का माहौल है, चाहत का माहौल है, दीदरी मंजर है। इस मंजर में हमारा और आपका साथ है जो जारी रहेगा। डॉक्टर शबील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? आप हम लोग बहुत खुश हैं, 50 बच्चियों की शादियां करवा रहे हैं, और बहुत ही खुशी है कि इन लोगों का हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। आप खुद भी देख रहे होंगे यहाँ जश्न का समय है, लोग बहुत खुश हैं और लुटी डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और दूल्हा दुल्हन और उनके बराती रिश्तेदार बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। एक दूल्हा तो बाकायदा खुशी से रो पड़ा, उसने कहा कि इस तरह का इस्तकबाल हमारा कहीं नहीं हुआ था। हमें अल्लाह पाक का शुक्र है कि सूफी साहब सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब ने इस काम पे हमें लगा दिया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये गाड़ी चला दी है, और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने डॉक्टर रामे साहब की गुफ्तगु सुनी, और हर कोई अपने अपने अंदाज़ में मोहब्बत अदा कर रहा है, और हर कोई चाहता है कि लोग खुश हों, खुशी को आम किया जाए मुआशरे में। जब खुशी को मुआशरे में आम किया जाता है, यकीनन वो मुआशरा तरक्की की शाहराह पर गामजन होता है, खुशी आगे बढ़ती है, उसकी नसीहत आगे बढ़ती है, उसका रंग आगे बढ़ता है। और माशाल्लाह
जी नाजरीन, सूफी साहब के साहबजादा साहब जो है माशाल्लाह वो इस्तकबाल कर रहे हैं और ये नाचवा बड़ी मोहब्बतों का साथ कर रहे हैं। और जो जिस साहबों का इजहार कर रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है। आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर, कमाल मंजर, चाहतों की बात, अकीदतों के इजहार, मोहब्बत की बात, मुआशरे के जो पसमानदान नहीं पसमानदा लोग हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है कौन ठीक करेगा। हमारी हुकूमत को होश के नाखून न जाने कब लेगी कि जब लोग मखलूक के खुदा में अल्लाह के नेक सालहीन सुलहा अल्लाह के औलिया सूफिया इस पैगाम को आम करते हैं तो वो मंजर बड़ा प्यारा मंजर होता है। हमें सोचना है करम मेहरबानी तो महले जमी पर खुदा मेहरबान होगा अच्छे वो साथ अरसे बड़ी पर मेहरबान होती है। ये घोड़ा है इसका पता नहीं चलता, कभी भी जोश में आ जाता है और जोश में आना चाहिए जोश। ठीक है और नाजरीन आप देख सकते हैं, देखिए ये मंजर तो देखिए, ये रंग तो देखिए, ये सोच देखिए, कमाल सोच है। और जब ये सोच मुआशरे में आम होती है फिर लोग तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकी सोच है, आप देखिए ये हमारी बहने हैं जो बग्घी से नीचे उतर रही हैं और यकीनन यकीनन बड़ा खूब मंजर है। अब हम आपको लिए चलते हैं जहाँ जहाँ एहतमाम है और सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब मौजूद हैं, यहाँ पर उनके रुफका मौजूद हैं। जहेज के सामान का तफसील से आपको ज़रा थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये चेयर्स हैं और ये सूट्स हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, जाय नमाज भी है, चादर भी है और प्लेट्स हैं, चारपाई है। बाकी देखें ये सारा एक फैमिली के लिए, एक फैमिली के लिए है। और जब इसको ज़रूरियात ज़िंदगी कहेंगे, जब एक फैमिली को सब चीज़ें दी जाएंगी तो यकीनन उसके जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती जाएंगी। और माशाल्लाह ये सिलाई मशीन भी शामिल है, कूलर शामिल है और जो मुख्तलिफ सेट्स हैं वो मौजूद हैं, पंखा, जो भी एक इंसान को ज़रूरत होती है दहेज में सब कुछ वो दिया जा रहा है। माशाल्लाह ये सब कुछ दहेज में दिया जा रहा है। और ये फिर ये पूरी एक लाइन लगी है, राइट दाएँ जानब भी, मेरी बाएँ जानब भी, आप देख सकते हैं कि 50 फैमिलीज का अहतमाम है तो 50 फैमिलीज के जहेज के सामान हैं और खूब इसका अहतमाम किया गया और बड़ा इसका मेयार बड़ा अच्छा है। मैं इसको देखता हूँ, इसका मेयार भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं इसको। और माशाल्लाह हर चीज़ की एक क्वालिटी है, हर चीज़ में एक चीज़ है। और आप इस बात को देख सकते हैं हमारा भाई जहाँ जहाँ मौजूद है, हमारी सोच है, हमारे अपने नज़रियात हैं, हम खुशियाँ मुआशरे में आम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुआशरा अमन व आशती का गहवारा बने, जहाँ हर घर पे फूल खिले, जहाँ चाहतों के समंदर में हम इस अंदाज में डूब जाए कि खुशियाँ मोहब्बतें मुसरतें चाहतें आम इस सोसाइटी में करें। सूफी वेलफेयर सोसाइटी ने जो रंग जमा दिया है, जो रंग बना दिया है, ये रंग बड़ा ही मज़ेदार है, ये रंग बड़ा दिलकश है।
ये रंग बहुत ही चाशनी वाला रंग है, ये अकीदत वाला रंग है, ये मोहब्बत वाला रंग है। इस रंग में रंगने की जरूरत है। जब मुआशरा ऐसा हो जाएगा तो हम चाहेंगे हमारी सोच अच्छी हो जाए, हम आगे बढ़े। चाहतों की बात करें, अल्लाह की जात फरमाती है मेरी नेमतों का चर्चा करो, मैं मेरी नेमतों का जिक्र करो, इजहार करो, चर्चा करो। यहाँ पर इजहार हो रहा है, चर्चे हो रहे हैं, खुशियां दिलों में आ रही हैं। वो फैमिलीज जो परेशान हैं, मुसीबत में हैं, मुआशरती नारवा सुलूक का शिकार हैं, जिनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो चुका है और जिनके पास जरूरियात जिंदगी नहीं है, आज सूफी वेलफेयर सोसाइटी ने जो एहतमाम किया है वो एहतमाम बड़ा ही दिलनशी है, बड़ा मोहब्बतों वाला एक निज़ाम है। इस निज़ाम को समझिए, दिलों में ये जज्बात पैदा कीजिए, फिर हमारी सोच आगे बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे। इसी हमने इस मुआशरे को आगे लेके बढ़ना है, हमने इस मुआशरे को आगे पहुंचाना है, हमने अपने आप को आगे लेके जाना है, ताकि हम इस मुआशरे में कुछ करें, लोगों के काम आ सके। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बड़ी पर, तो ज़ात मेहरबान होने वाली है, वो दुनिया को अपनी चाहतों के रंग में रंगने वाली है। वेलफेयर सोसाइटी के तमाम चाहतों का सिलसिला जारी है, मोहब्बत का सिलसिला जारी है। और माशाल्लाह ये रंग है जो आप देख सकते हैं, ये रंग आप देख सकते हैं सूफी वेलफेयर सोसाइटी के एहतमाम, ये काबिल तहसीन भी है, ये काबिल जिक्र भी है, ये काबिल फिक्र भी है। फिक्र उन लोगों के लिए कि जो लोगों का भला नहीं सोचते, जो ये सोचते नहीं है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए, लोगों को अपना कुर्ब दिया जाए, उनके गमों को बांटा जाए, उनके दुखों का मुदावा किया जाए, उनके लिए ये मुकाम फिक्र है। और सूफी मोहम्मद अनवर मदरू साहब ताप से बढ़कर इस्तकबाल करना ही बड़ी बात है, और यकीनन बाप से बढ़कर इस्तकबाल करना ये बड़ी बात है। यही बात ऐसी है कि जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सब देखिए, ये मंजर है, जासी वाला मंजर है, मोहब्बतों वाला मंजर है। साथ साथ चल रहे हैं, सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब माशाल्लाह इस्तकबाल भी करते हैं, खुश भी होते हैं, और सुल्हों के आने का सिलसिला जारी है, ये सिलसिला जारी है। और सूफी साहब भाई को याद हूँ आज खुश है कि ना खुश, सोचा ही होती है। हाँ जी सूफी साहब से बारे से की कहेंगे? बस ठीक कहेगा, चंगा होया कि नहीं? चंगा होया, नहीं नहीं कोई मेला नहीं, पता जो हम कि लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही, पूरी दुनिया के छा जा। सब पे रहमतों का दखूल फरमाए, सब पे अपनी बरकतों का दखूल फरमाए, और गमजदों के लिए यही कुछ है। आप देख सकते हैं कि ये सारा जहेज का सामान, सारा जहेज का सामान, सब जहेज जहेज का सामान है, जहेज का सामान सारा। और ये दहेज का सामान है सबके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए सारा, वो मजा देख सकते हैं, ये सारा लाइन लगी हुई है दहेज के सामान की, जो बड़ी मोहब्बत वाली लाइन है, और इनको आप सबके लिए बहुत अहम है। सूफी अनवर मदनी से जो टाइटल है सूफी दी दियां दा व्याह, बाकी ये दियां हैं, ये बेटियां हैं, और ये बड़ा प्यारा टाइटल है नाजरीन, इसको देखिए। और जैसा टाइटल है वैसा काम है, यहाँ पर टाइटल के ऐन मुताबिक यहाँ पे काम हो रहा है माशाल्लाह। और अन निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी,
आकर सलाम ने फरमाया। इस हदीस पे माशाल्लाह पूरा किया जा रहा है और ये सिलसिला भी जारी है। और मैं भी यहाँ से तुम साहब से एक सेब और सेब एक मांगूंगा। और ये हाँ मैं सेब खा रहा हूँ और जब बंदा खाता है थोड़ी सी उठा तो खाने का सिलसिला भी जारी है क्योंकि शादी है तो खाने का सिलसिला हो सकता है। शादी है राजनपुर में 6 नवंबर को राजनपुर के अंदर शादियाँ हुई हैं और आज जो है ये हसनपुर के अंदर है, फिर मोरकुंडा में होगी 50 शादियाँ, 50 गुजरावाला में होगी, 50 कसूर में होगी, 50 रावलपिंडी में होगी और हसनपुर में 50 शादी। दूसरी कड़ी इस हमारी शादियों की दूसरी कड़ी हसनपुर के अंदर है। आज हसनपुर में 50 शादियों का अहतमाम है अल्लाह के खास करम से, उसके फजल से सूफी वेलफेयर सोसाइटी का जो एहतमाम किया है वो आप उस एहतमाम को देख सकते हैं। और यकीनन आज हसनपुर में है, हसनपुर में आने वालों को बहुत कुछ हासिल हो रहा है। तो जो यहाँ पर आते हैं उन्हें हासिल होना चाहिए क्योंकि ये हसनपुर है और फिर पुर होके भी जाना चाहिए क्योंकि हसनपुर जो पूरा ठहरा। और माशाल्लाह एक समा देखिए, ये कैमरा मैन आपको दिखाएं, ये समा देखिए, ये कितना दिलकश समा है, कितना एक हसीन मंजर है। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है जोश बढ़ता जा रहा है, लोगों की आमद का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आज सबसे बड़ी बात जो है कि ये सिलसिला जारी है, मोहब्बतों का प्यार का ये सिलसिला जारी है। तो इस सिलसिले में हमें ये फल है जो कि खाया जा रहा है और माशाल्लाह ये लुत्फ है सूफी साहब। अंगूर माशाल्लाह एक जो फल है और बड़ा ही मजेदार फल है, अंगूर खिला रहे हैं दोनों को माशाल्लाह। ये देखिए नाज़रीन, ये मंजर देखिए, ये मंजर आप सबके लिए एक नया मंजर है और चाहतों भरा मंजर है। ये मोहब्बत देखिए, ये सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब इस दौर के सूफी हैं जो माशाल्लाह अंगूर भी खिलाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सुविधा मुझे भी अंगूर खिला दें। मंजर देखिए अंगूर खिलाने का सिलसिला भी जारी है, सूफी साहब अपने हाथों से अंगूर खिला रहे हैं। ये अल्लाह वाले हैं, ये इनकी मोहब्बतें हैं, ये इनकी चाहते हैं। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह नाज़रीन आप देखिए नाज़रीन देखिए खाने का सिलसिला भी जारी है, लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है, खाने का भी आने का भी। और यकीनन ये खाने का सिलसिला जो इतना मोहब्बत के साथ जारी है बहुत अच्छा सिलसिला है। यकीनन ये सिलसिला बहुत मददगार है और इस सिलसिले को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब एक और बारात आ चुकी है, ये बारात है नाज़रीन,
वसे तेरी सोनी सोनी यार सोने शाला वसे तेरी सोनी सोनी शाला वसे तेरी सोनी सोनी यार सोने मैनू रब ने الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب ماشاءاللہ اس دور کے عظیم انسان ہیں اللہ کے ولی ہیں کہ جو ولیوں کے مشن کو آگے پھیلا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں ہے جس کو عام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے ان کی ٹیم ماشاءاللہ جس عقیدت کے ساتھ جوش کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے آج ہم الحاج محمد صوفی انور مدنی صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور صوفی صاحب بتائیے گا کہ یہ دن بہ دن سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں رونقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں سماں بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاص کرم شامل ہے اس کا فضل شامل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کام ہو رہا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت اور شفقت کا ہاتھ ہمارے پیچھے ہے اور تمام بزرگان دین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ پاک اس کام کو آپ دیکھ رہے ہیں دن دگنی اور چگنی ترقی عطا فرما رہا ہے یہ اللہ کا کرم ہے فضل ہے اس میں کوئی ہماری کوئی ہمت نہیں صوفی محمد انور ایک ناچیز آدمی ہے دو ٹکے کا آدمی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے جو انہوں نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہ نیکی کے کام میں اس کو سر انجام دے رہے ہیں اور یتیموں کے یہ بد دعا صورت میں ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو فلا تقہر ومسائل فلا تنہر تو اسی آیت پہ ہم کرتے ہوئے اور اگلی آیت صوفی صاحب یہ وما بنعمت ربک فحدث یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور یہ نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر گزار ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے سے یہ کام لے رہے ہیں یہ ان کا دیا ہوا مشن ہے یہ بزرگان دین کا دیا ہوا مشن ہے جو ہمیں صحابہ اکرام نے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دی ہے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھو اسی کا یہ ایک سلسلہ ہے
और सबसे अहम बात है कि हम मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। खुदा राजी होता है जब मखलूक और ख़ास करके जब यतीमों के सरों पे हाथ रखा जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ हमारे जब एक हाथ हम एक बच्ची के सर पे रखते हैं तो अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और ये जितने लोग शामिल हैं वो मेरा ईमान है इनके भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क्यों कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रख रहे हैं। और ये अल्लाह का करम है कि हम मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, हमारे पास में कुछ नहीं। और नाज़रीन सूफी वेलफेयर सोसाइटी का जहाँ पे शादियों का अहतमाम करना है वहाँ पे इफ्तारी है और घरों में राशन है, इतना अहतमाम सूफी साहब माशाल्लाह आपकी जो सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी कर रही है, आप क्या समझते हैं कि माशाल्लाह ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, आपने फरमाया अल्लाह का खास करम है और आप इसको मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं? जी, असल बात ये होती है जो काम दीन का अखलास और मोहब्बत से किया जाए अल्लाह पाक उसमें मदद फरमाता है। आज देखो ये मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ जो लोग आज मेरे शाना बशाना है और ये लोग मेरे हर मामले में मेरी मदद कर रहे हैं। ये मेरी नहीं मदद कर रहे हैं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद कर रहे हैं और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम कर रहे हैं। और ये खुदा के लिए जब आदमी आता है तो उसके आने के रास्ते आने से यहाँ से पहुँचने से पहले अल्लाह पाक उनके गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो ये अल्लाह का करम है कि आज इतनी मखलूक जो है इस दीनी और मजहबी समाजी और हमारी अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग कहते हैं ना ये काम सिर्फ नाते ही पढ़ते हैं, हम नाते भी पढ़ते हैं सरकार की, वो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा अकीदा है, मोहब्बत है, हम अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, वो हमारा फ़र्ज़ और इबादत है और इसको भी हम इबादत समझ के मखलूक की खिदमत करते हैं। और हमारा ये समाजी काम यहाँ ये 300 शादी का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 6 बनाए हैं। पहला हमने राजनपुर में 50 पिछले एतवार कर लिया, इस एतवार हासलपुर में कर रहे हैं और आइंदा एतवार जो है वो मोड़खुंडा में होगा जो मेरा भाई शहर है, और उसके बाद जो है 27 तारीख को एतवार को गुजरांवाला में होगी, उसके बाद 4 दिसंबर को मोड़ कसूर में होंगी, उसके बाद मार्च में जो है हम रावलपिंडी में करेंगे। इस तरह हमारा 300 बच्चियों का जो हमने बेड़ा उठाया अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। तो सर आप अपनी टीम के बारे में क्या कहते हैं कि अल्लाह दिन रात एक मेहनत करते हैं और हम तरजीह में क्या कहते हैं? असल बात ये कि आपने देखा कि कल मैं सुबह का निकला हुआ हूँ और महफिलों का काम समाजी काम, जबकि सुबह 3 बजे तक आपको पता है मैं आपके साथ उठ के आया हूँ और हमने 5 घंटे में हम हसलपुर पहुँचे हैं, 2 घंटे हमने आराम करके उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस काम पर लग गए हैं और ये अल्लाह का फजल है। मैं अगर 1 मील चलूँ आधा मील चलूँ तो मुझे सांस चढ़ दे, लेकिन आप इतना ऐसा लगता है जब मैं 16 साल का लटका हूँ। इन प्यार वाले लोगों को देख के, मोहब्बत वाले लोगों को अपने शाना बशाना देख के मेरी हिम्मत और ताकत जो है वो बढ़ गई है। अब आपने देखा कि हर दूल्हे का इस्तकबाल करते हैं, लाते हैं, छोड़ते हैं, इतना मैं अपने घर में काम करूँ तो मुझे 3 मरतबा पानी पीना पड़े सो जाऊँ, लेकिन ये अल्लाह का कर्म है, फजल है। ये अल्लाह पाक ने इस रूहानियत में ऐसा एक ताकत बख्शी है कि जब इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए काम करता है और ऐसे लोग जो मोहब्बत वाले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए सामने होते हैं, इनको देख के इंसान की वैसे रूह जो है ना उसको तकवीयत मिल जाती है। बिल्कुल सही। नाज़रीन आपने अलहाज सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब जो कि रूह रवा हैं इस वेलफेयर सोसाइटी के, माशाल्लाह उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका इखलास देखा। असल बात यह है कि इखलास और गुफ्तगू जो है उससे बहुत चीज़ें वाजे हो जाती हैं। सूफी साहब चाहते हैं हर घर में खुशी का अहतमाम हो, जो माशरे के पसमानदा नादार और मसाकीन हैं, फ़ुक़रा यतीम हैं, उनके घरों में खुशियों के चराग जलें और चराग जल रहे हैं, क्योंकि जब तक अल्लाह के औलिया रहेंगे खुशियाँ माशरे में आम होती रहेंगी। और इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला, ये चाहतों का सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह ये सारे मंजर हम आपको दिखाते रहेंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है वो भी हमने देखा और जो बारातों के आने का सिलसिला है माशाल्लाह वो भी जारी है। और अलहाज सूफ़ी मोहम्मद अनवर मदनी साहब के रफ़क़ा के जिस जोश और वलवले के साथ काम कर रहे हैं, जाफिशानी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। और नाज़रीन और हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं सारे, हम उनसे बात भी करेंगे और ज़फ़र भाई भी मौजूद हैं, इनसे पहले भी बात हुई है, अब दोबारा बात करेंगे। जी ज़फ़र भाई, अब आप बताइएगा जो जो वक्त गुजर रहा है, आपकी चोट आपकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? चोट मुझे याद ही नहीं है, बस मैं वैसे ये बचता रहा हूँ कि काश मैं ना उसे उठ के ना, चलो मैं भी चार कदम अपने बच्चों के आगे खुशियाँ मनाता है ना, जो भाई हैं दूल्हे हैं, लेकिन अलहमदिल्ला मुझे कोई चोट का कुछ फील नहीं हो रहा है। हालांकि वो डॉक्टर के हिसाब से तो बहुत बड़ा जख्म हो गया है, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा।
बिल्कुल सही राज आपने गुफ्तगु सुनी जफर भाई की, कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, बस एक ही धुन है, एक ही जहन में चीज सवार है कि जो खुशी है इस खुशी में शरीक हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है, सबसे अहम बात है। माशाल्लाह यहाँ पर जो सना खान रसूल हैं उन वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा भी हैं, सूफ़ी साहब के रफ़क़ा भी हैं, साहबज़ादा साहब भी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह इनसे भी हम थोड़ी बात करते हैं कि माशाल्लाह साहबज़ादा साहब फरमाइएगा कि हासिलपुर में आके लोगों को बहुत कुछ हासिल हो चुका है, और इस हासिल होने पर आप क्या कहते हैं? मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, और जो हमारे इधर हासिलपुर के दोस्त हैं बाप हैं माशाल्लाह, उनकी बड़ी मोहब्बत मिली है हमें, और जितना इन्होंने हमारा माशाल्लाह साथ दे रहे हैं, और जफर भाई साहब माशाल्लाह इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई मुश्किल पेश नहीं आई, ठीक है, और बड़े आसानी से ये हमारे सारे मामला तय पा गए हैं, तो हम इनके भी शुक्र गुजार हैं, और कुल नूर वालों के भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ साथ हमको भी दे रहे हैं, और लोगों को दिखा रहे हैं कि जो अल्लाह ताला का काम हो रहा है, और ये सारे मामला बहुत शुक्रिया भाई। जी नाज़रीन आपने साहबज़ादा साहब की गुफ्तगू सुनी, और अब इंशाल्लाह आप लोगों से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी आप भी बताइएगा भाई, अब तासरा हमजा भाई बहुत प्यारे, आप खुश हैं? आप भी खुश हैं माशाल्लाह सारे, सही। और ताहिर भाई भी मौजूद हैं, ताहिर भाई से भी हम बात करते हैं। ताहिर भाई जी आप बताइएगा, माशाल्लाह सूफी साहब के ये भतीजे हैं ताहिर भाई, हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, जी बताइएगा जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह ताला का खास करम फजल और रहमत है कि सूफी साहब इस काबश में पेश हैं, और अल्लाह ताला मजीद इनकी मदद फरमाए और इनके लिए खैर वाफियत फरमाए, और इनको इस काम को जारी रखने के लिए तौफीक अता फरमाए, उनके साथ इनके साहबजादों को भी इनके शाना बशाना चलने की और इस काम को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी। नाज़रीन आपने सूफी साहब की गुफ्तगू सुनी, साहबज़ादा साहब की गुफ्तगू सुनी, और सूफी साहब के भतीजे हैं उनकी गुफ्तगू, ने अपने दिल की बात की, और बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है, ये ताकत परवाज है, दिल से जो बात निकलती है उसका असर ऐसा है कि वो उस असर में मुआशरा असरअंदाज हो जाता है, यकीनन वो सब चीज़ें इंसान को मिलती हैं कि जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है। नाज़रीन अलहाज सूफ़ी मोहम्मद अनवर मदनी साहब की ज़ेर निगरानी आज का हासिलपुर का ये जो प्रोग्राम है, ये जो तकरीब है, हमारे हासिल मिर्ज़ा नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं हासिलपुर में, इनसे बात करते हैं। जी मिर्ज़ा साहब आपकी फीलिंग्स क्या हैं जनाब? ये सूफी वेलफेयर सोसाइटी जनाब अलहाज मजली साहब की तरफ से ये हासिलपुर के लिए 50 शादियाँ बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, नयाब तोहफा है, जितनी भी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। इधर आप देखें कि इतने बड़े लोग आए हुए हैं जो इन बच्चों की शादी में शाना बशाना साथ दे रहे हैं, कोई लुड़ियाँ डाल रहा है, कोई भंगड़े डाल रहा है, इनकी बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा है। ये बहुत अच्छा काम है, ऐसे प्रोग्राम हासिलपुर में होने चाहिए, जैसे बाबा जानी कराते हैं ऐसे दूसरे लोगों को भी चाहिए कि ये प्रोग्राम होते रहें। जी माशाल्लाह हमारी गुफ्तगू हुई मिर्ज़ा साहब से, और कहा कि जैसे ये करते हैं वैसे औरों को भी करना चाहिए, ये दिखाने का एक मकसद ये भी है कि जो और लोग हैं उनके अंदर भी ये जज्बा बेदार होना चाहिए। और जनाब हम हमारे भाई दोस्त सब आप यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे ही गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है, और ये सूफ़ी मोहम्मद अनवर मदनी साहब का प्लेटफॉर्म है, और नात खान की भी नुमाइंदगी करते हुए जनाब मुनव्वर मदनी साहब क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं कि हर साल की तरह यहाँ पे शादी को तमाम किया गया है, 50 शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी थी और 50 शादियाँ इस दफ़ा भी हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आलम पर अल्लाह उसका शुक्र ख़ास करम है कि आप खुद यहाँ पे आते हैं, हर बारात का वैसे ही इस्तकबाल करते हैं जैसे बार आपका इस्तकबाल। बिल्कुल सही नाज़रीन, हमने सुबह
گفتگو کرتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. اور الحاج صوفی ایسا نا آخری دولا اچھا پنیا ماں آیا ہے بڑا لیٹ آیا تیرو پتا ہے تینو آج ایک طرف دنیا ویکھ رہی ہے اور ایک سو کتنے ملکوں میں تیرا لائیو پروگرام جا رہا ہے. تیرا استقبال ٹھیک ہوا ہے؟ کوئی ہے کوئی چاہ ہے گئی گڈی وچ بیٹھا ہی تا تینو با لینے ہاں جی بگی وچ دوبارہ بیٹھنا چل آپ دونوں بگی آ جا آپ دونوں بگی ہاں اور لازم بگی کو دوبارہ بیٹھا جائے گا اور میں بھی ان کے ساتھ بگی میں ہوں گا اور ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور یہ 50 شادیاں ہیں اور یہ 50واں دلہا پہنچ چکا ہے بندھن میریج ہال حاصل پور کے اندر. اور ناظرین اس وقت ہم بگی پہ سوار ہونے لگے ہیں اور ماشاءاللہ صوفی محمد انور مدنی صاحب سے گفتگو بھی ہوگی اور یقیناً انشاءاللہ پھر گفتگو آگے بھی بڑھے گی یقیناً انشاءاللہ عزوجل. اور یہ منظر دیکھ سکتے ہیں چونکہ 50 شادیاں ہیں حاصل پور کے اندر اور 50واں دلہا بھی اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے اور ماشاءاللہ پھر اس سے آگے کا سلسلہ ہوگا اس سے آگے بڑھنے کا سلسلہ ہوگا یقیناً. ہم بگی پہ سوار ہیں اور سوار ہو کے ہم جائیں گے تھوڑا سا آگے جہاں ہمیں اتار دیا جائے گا. اور ناظرین یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر یہ بڑا خوبصورت منظر ہے. اور جی ناظرین آپ دیکھیے یہ 50واں دلہا پہنچا ہے اور بگی پہ سوار ہیں. اب بگی سے نیچے اترا جائے گا اور پھر پروگرام کے سلسلے کو تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. اگلے موڑ کی جانب ہم بڑھیں گے اور دیکھیں گے آگے پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. اور پھر اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے یقیناً ہماری اپنی ایک سوچ ہے ایک نظریہ ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے تو اسی میں بہتری ہے اسی میں بہتری ہے ناظرین. جو ٹائٹل ہے صوفی دی دھیاں دا ویاہ اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے اولاد نرینہ دے وے انہاں دے جان مال اولاد رزق وچ برکت عطا فرمائے یہ تو جان تے انہاں نوں اللہ انہاں رزق دے وے کہ انہاں کسے دی تھوڑ نہ رہے. آمین آمین آمین. اور ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ 50واں دلہا حاصل پور سے جو کہ پہنچا ہے اور صوفی صاحب نے وارملی ویلکم کیا ہے ان کو. اور اب جی بالکل باراتوں کا سلسلہ اب اس وقت اختتام کو پہنچا اور ان کے اور ان کے دل میں بڑی باتیں ہیں اور باتوں کا وہ اظہار بھی چاہتے ہیں اور پھر بربرا اظہار چاہتے ہیں. جی ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یقیناً وہ سب احباب کے جو آج کی اجتماعی شادیوں کی تقریب میں موجود ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اور جہاں پر ہماری بہنیں ہیں خواتین ہیں وہاں پہ ایک تقریب ہوگی, تقریب کے بعد پھر مرد حضرات کی جانب بڑھیں گے, پھر وہاں ایک تقریب ہوگی, دعا ہوگی, پھر آخر میں کھانے کا خاص اہتمام ہے وہ کھلایا جائے گا سب کو. اور ناظرین یقیناً آج یہاں آ کر دل بڑا خوش ہے اور یہاں آ کر جو خوشی کے جذبات ہیں جو فیلنگس ہیں وہ آئی کانٹ ایکسپلین ان مائی ورڈس بیکاز دس از اے ویری 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 امپورٹنٹ موومنٹ ان مائی لائف اینڈ دس از اے وے آف سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ ہاؤ یو کین ہیلپ ادر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ نیڈی کرنا اور ہیلپ اس انداز میں کرنا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہیلپ ہوئی ہے. اور یقیناً یہاں پر جو خواتین ہیں جو بارات کے ساتھ آئی ہیں دلہا والوں کی جانب سے دلہن والوں کی جانب سے یہ سب وہاں پر بیٹھی ہیں اور 50 باراتیں آئی ہیں 50 باراتوں کی یہ خواتین ہیں. اس ہال یہ ہال پورا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور یہ پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہے, آگے بھی ہال بھرا ہوا ہے. ماشاء اللہ ایک حسین اہتمام جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس فنکشن میں اس تقریب میں شامل ہونے والی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنا شرکت کی ہے, شرکت کو یقینی بنایا ہے. اور جو دلہنیں ہیں ہماری بہنیں
वो उनके लिए स्टेज जो तैयार है लगा है, वो स्टेज पर बैठना शुरू हो चुकी हैं। माशाल्लाह स्टेज पर बैठ रही हैं जो हमारी बहनें हैं, वो स्टेज पर उनके बैठने का सिलसिला जारी है और वो बैठ रही हैं। आप देख सकते हैं ये मंजर सारे, कैमरामैन ही मंजर दिखाए, जो दुल्हने हैं वो स्टेज की जीनत बन चुकी हैं। ज़बरदस्त मंजर है और खुशकिस्मती है इन बच्चियों की कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस पूरी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और यकीनन यहाँ पर आप मुख्तलिफ रंग देख सकते हैं, हर किसी का एक अपना अपना रंग है, अपनी एक नज़र है, अपनी एक चाहत है कि जिस रंग में वो रंगे नज़र आ रहे हैं। और यकीनन ये अपने अपने आज घरों में जाएंगी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है और उस ख्वाहिश की आज तकमील का दिन है, और ये दिन बड़ा ही अहमियत का हामिल है हमारी इन बहनों के लिए, हमारी इन बहनों के लिए बड़ा अहमियत का हामिल दिन है। और यकीनन जो हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना रंग है, और हर कोई अपने रंग में अपनी सोच में आपको नज़र आएगा। यकीनन इनके लिए खुशी का दिन है इनके लिए, और ख़ुशी के दिन को खूब सेलिब्रेट करना चाहिए, खूब आगे बढ़ना चाहिए। और सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब की आमद भी हो चुकी है इस हॉल में, तकरीब सजेगी, तकरीब सजने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन आज अलहाज सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब की क़यादत में ये कारवां जो सजा है एक मंजिल तक आन पहुंचा है, दूसरा मरहला तकमील के मराहिल तय कर रहा है। तकमील के मराहिल तय करते करते ये मरहला आगे जो बढ़ रहा है, तो यकीनन हम सब के लिए खुशकिस्मती है, खूबी ये किस्मत है। नाज़रीन ये तकरीब शुरू हो चुकी है, दुल्हनों को सामान देने की तकरीब शुरू हो चुकी है, और यकीनन सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब अपने हाथों से और हमारी कुछ बहनें हैं जो दुल्हनों को तहाइफ पेश कर, और नाज़रीन आप देख सकते हैं ये मंज़र, ये तोहफे, ये तहाइफ देने का सिलसिला जारी है। और ये दुल्हनों को जो कि तहाइफ देने का सिलसिला नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब अपने हाथों से तहाइफ दे रहे हैं, हमारी बहनें भी इनके साथ शामिल हैं तहाइफ देने में, जो हार भी पहना रही हैं। और माशाल्लाह ये एक बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है सबके लिए, इस मंज़र को बराह रास्त आप कोहिनूर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। माशाल्लाह सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब और उनके साथ हमारी कुछ बहनें हैं जो इसको देखो ना, मैम मेरी ये पहले डेग पे मेरे तो पहले ही था, ये मेरी बचत होगी ना कुछ वगैरह, मैं बच गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, ये सब चीज़ें हैं। और जब इंतमाम होते हैं तो फिर अच्छे अहतमाम होते हैं। और नाज़रीन आप देखिए कि इन मनाज़िर को देखा जा सकता है, मेरे पहले आने से बाद में आने वालों का फ़ायदा हो गया, क्योंकि जो पहले आ जाते हैं तो वो एक ग्राउंड बना लेते हैं, जिसे टूटना होता है, बिखरना होता है, बिखर जाते हैं, आने वालों के रास्ते बन जाते हैं। और यकीनन ये लम्हात खुशी के हैं, और आप इस मंज़र को देखिए, इस दीदनी मंज़र को देखिए, हमारी बहन जो कि हार पहना रही है दुल्हनों को, माशाल्लाह बड़ी खुशी का इजहार भी हो रहा है। और नाज़रीन आप देखिए माशाल्लाह सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब के जेर एहतमाम, सूफी वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम
جو تقریب سجی ہے وہ اپنے آخری مرحلوں کو طے کر رہی ہے اور طے کرتے کرتے انشاءاللہ یہ آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اور ناظرین کوہ نور نیوز پہ یہ مناظر آپ کو براہ راست دکھائے جا رہے ہیں اور یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے کہ ہم ان کی خوشی میں شامل ہیں۔ کہ کسی کی خوشی میں شامل ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے خوش ہوتی ہے۔ تو مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کی خدمت کا جذبہ دل میں پیدا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے اور یقیناً یہ خوش نصیبی ہم سب کے لیے ہے۔ اور ماشاء اللہ تحائف دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے، تحائف دینے کا سلسلہ جاری ہے اور ماشاء اللہ یہ جاری رہے گا، کیونکہ جس عقیدت و محبت کا اظہار ہم کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ سلسلے جاری ہیں، نہایت ہی محبت کے ساتھ جاری ہیں۔ جی ناظرین، آپ تحائف دیے جا رہے ہیں، ایک سوٹ ہے میرے خیال سے اور ایک جو پرس کہتے ہیں جس کو بیگ کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ ہماری بہنیں دے رہی ہیں، تحائف دے رہی ہیں ان بہنوں کو، تحائف دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کو ہار بھی، ان کو سوٹ بھی دے دیے گئے ہیں اور ان کے جو پرس ہیں جن بیگ کہتے ہیں وہ بھی ان کو دے دیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ جس عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے اور آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ جی جی، اور ناظرین آپ دیکھیے کہ یہ ٹائٹل ہے صوفی دی دھیاں دا ویاہ، تو صوفی صاحب اپنی بیٹیوں کو پیار کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیے جو ٹائٹل تھا شادیوں کا، ٹائٹل ہے صوفی دی دھیاں دا ویاہ، وہ اس ٹائٹل پہ یقیناً اس انداز میں پورا اتر رہے ہیں، اس انداز میں پورا اتر رہے ہیں کہ واقعی اپنی بیٹیوں کو پیار کر رہے ہیں۔ ایسا باپ جس کو اس دور میں نصیب ہو جائے، وہ بیٹیاں بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں ماشاء اللہ۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں کو پیار کر کے، شفقت کا ہاتھ رکھ کے ان کو رخصت کر رہا ہے، اور یہ رخصتی کا سلسلہ ماشاء اللہ اور یہ آگے بڑھنے کا، چاہتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ناظرین یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آپ منظر کوہ نور نیوز پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب اپنی بیٹیوں کو دست شفقت عطا کر رہے ہیں اور عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور دل ہی دل میں ان کے لیے لاکھوں دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک باپ کے دل کی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، بڑے ارمان ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے، ان ارمانوں کو پورا ہونے کی دعائیں بھی جاری ہیں اور عقیدت و محبت کا اظہار بھی جاری ہے۔ ناظرین یہ منظر آپ براہ راست کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ سجی ہے شادیوں کی تقریب حاصل پور میں، اور حاصل پور میں ان کو بہت کچھ حاصل ہو چکا ہے اور پر بھی ہو چکے ہیں بہت زیادہ لوگ ماشاء اللہ۔ جب اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پہ حاصل بھی ہوتا ہے، وہاں پہ انسان پر بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں انسان کو ملتی ہیں۔ ناظرین آج ہم حاصل پور میں موجود ہیں جہاں پر اجتماعی شادیوں کی دوسری کڑی مٹھائی دی جائے گی اور اس کے بعد نقدی بھی دی جائے گی۔ یہاں کے حاصل پور کے اجوا والے بیکری والے ہیں، انہوں نے مٹھائی بھیجی ہے اور ساتھ 500 روپے کا وہ بھیجا ہے، تو وہ ہم لوگ جو ہے نا ابھی وہ مٹھائی تقسیم کرنے لگے ہیں انہی میں، ڈبہ ڈبہ سب کو، ہمارے مرزا ندیم صاحب سب کو مٹھائی بھی دے رہے ہیں۔ اور ماشاء اللہ ناظرین ویسے اندر میں ویسے جڑے آتے پیسے اے سی صاحب ہیں اور ٹی ایم صاحب بھی موجود ہیں، اور اس تقریب میں ماشاء اللہ یہاں پر مٹھائی بھی تقسیم کی جا رہی ہے، مٹھائی دی جا رہی ہے، اور اے سی صاحب جو کہ حاصل پور کے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاء اللہ اپنے ہاتھوں سے مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، گفٹ بھی دے دیے گئے ہیں، مٹھائیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مٹھائی خوشی کی علامت ہے اور خوشی تو ایک ایک رنگ سے جھلک رہی ہے آج کی اس تقریب سے، اور ماشاء اللہ خوشی میں کے ان لمحات میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے، اور یہ ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ صوفی ویلفیئر سوسائٹی نے جو اہتمام کیا، یہ اہتمام بڑا ہی ایک بڑا خوبصورت اہتمام ہے، بڑا منظر والا اہتمام ہے۔ اس اہتمام کے لیے انسان کو آلریڈی ایک اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، مشن یہ ہے کہ ہم آپ تک وہ چیزیں پہنچائیں کہ جو اس معاشرے میں عام ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں جب عام ہوتی ہیں
تو یقیناً بہت کچھ ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، جاری رہے گا، اور ہماری سوچ کے تقاضوں کے عین مطابق ہم اس بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں لانے کے ساتھ ساتھ اوروں کے گھروں میں خوشیاں پہنچانے کا اہتمام بھی کیجئے، تاکہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو ناظرین ماشاءاللہ الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو نقدی بھی دی جا رہی ہے، مٹھائی کے ساتھ ساتھ نقدی بھی پیش کی جا رہی ہے، جس کو عرف عام میں سلامی کہہ دیں تو تب بھی بہتر ہوگا، اس کو یہ سلامی بھی ہے، یہ نقدی بھی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی توفیق کے مطابق دے رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے توفیق کے مطابق دے رہا ہے بھائی، اور جس کی جو توفیق ہے وہ ان دلہنوں کو دے رہا ہے ماشاءاللہ۔ صوفی صاحب نقدی سلامی بھی کہہ لیں تو بہتر ہے، سلامی نقدی ان کو پیش کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے ماشاءاللہ، سوٹ بھی ہیں، بیگز بھی ہیں، اور مٹھائی بھی ہے، نقدی بھی ہے، اور کیش بھی ہے، سلامی بھی ہے، بہت کچھ ہے، پیسے بہت کچھ ہے ان کے پاس ماشاءاللہ۔ یہ منظر ناظرین آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جوش و جذبہ ماشاءاللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اللہ کی ذات جب کرم فرماتی ہے تو یقیناً مخلوق کے دل میں مخلوق کی محبت پیدا فرماتی ہے، پھر وہی مخلوق چاہتی ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو، انسانیت کا فائدہ ہو۔ اور اب ہم ایسی صاحب سے بات کریں گے، پہلے بھی ان سے بات ہوئی، جی ایسی صاحب فرمائی گا کہ یہ تقریب تو ہوئی ہے، یہ تقریب میں آپ کی شامل ہے ماشاءاللہ، اور کیسا واٹس یور فیلنگ؟ ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ حاصل پور میں اس طرح کا مطلب ویلفیئر کا کام کروانا، مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ جی بڑے ایک اعزاز کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کروا رہے ہیں، تو میں تو جو ہیں دولہے دلہن نئے جو شادیاں جو ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی دعا گوں، اور جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور جو ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح کے ویلفیئر کے کام نہ صرف ادھر حاصل پر بلکہ پورے ملک میں یہ لوگ کرتے ہیں، تاکہ ملک ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست کا منظر پیش کر سکے۔ جی ناظرین، اور یہ مٹھائی تقسیم کرنے کا سلامی دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم آگے بڑھیں گے، تقریب سجی ہے ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں سجی ہے، یہ سجاوٹیں، یہ انداز، یہ محبتوں کا رنگ جو ہے، آپ اس کو براہ راست کوہ نور نیوز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین ماشاءاللہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے جوش دیدنی ہے، منظر بڑا ہی دلکش دکھائی دے رہا ہے، اور ماشاءاللہ بار اور سلامی دینے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے، سلامی دینے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے، اور پہلے بھی سلامی دی گئی ہے نقدی، اب پھر ماشاءاللہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اور ماشاءاللہ صوفی ویلفیئر سوسائٹی کی ایفرٹ ہے کہ مخلوق کی خدمت، ماشاءاللہ اس ایفرٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ، جو کہ ہماری بہن سلامیاں پیش کر رہی ہے دلہنوں کو، اور یقینا ناظرین یہ منظر ہماری اماں جان ماشاءاللہ، تو صوفی صاحب کی اہلیہ محترمہ اپنے ہاتھوں سے سلامی پیش کر رہی ہیں، اور ناظرین اب ہم چلتے ہیں جہاں پہ مرد حضرات ہیں، اس پنڈال کی جانب ہم بڑھیں گے، اور یقیناً اس پنڈال کی جانب بڑھ کر ہم اگلی جو تقریب کا منظر ہے وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، چونکہ دیکھنے دکھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جو تقریب کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ سب چیزیں دکھانے کا، بتانے کا، آپ کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان مناظر کو بھی دیکھیں، آئے روز اپنی سکرین پہ جو ایک برے مناظر ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، کبھی ٹیلی ویژن سکرین پہ اچھے منظر بھی ہونے چاہیے، اور کوہ نور نیوز کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے
کہ اب ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ اچھا منظر دیکھیں، اپنے بڑے بڑے پورے منظر دیکھے ہیں، خودکشیوں کے منظر دیکھے ہیں، دھماکوں کے منظر دیکھے ہیں، مگر آج کوہ نور نیوز کی سکرین پہ خوشی کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ آج خوشی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز کی سکرین پہ، چونکہ ہمارا مشن ہی خوشیاں اور محبتیں عام کرنا ہے۔ جو محبتیں عام کرتے ہیں یقیناً وہ خوشیاں معاشرے میں بکھیرتے ہیں۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوسائٹی کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اور پھر لوگوں کو یہ بتائیں کہ آگے بڑھنے کا سلسلہ مت روکیے گا صاحب، آگے بڑھتے جائیے گا۔ چونکہ جب ہماری یہ سوچ نہ ہوئی کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، تب تک ہم کیسے کر پائیں گے؟ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان اس کی نیت کرتا ہے، پہلے اس کے دل میں خیال آتا ہے، خیال جو کہ نیت کا روپ دھارتی ہے، نیت کا روپ دھارنے کے بعد انسان عملی طور پہ جو ہے اس کی ایک کوشش ہوتی ہے، انسان کی عملی طور پہ کوشش یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں نے ارادہ کیا، ارادے کے بعد نیت کی، اب نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان پھر سوچتا ہے کہ اس کو عملی جامہ کیسے پہنچایا جائے، کیسے پہنایا جائے، اور عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے جو ٹیم آپ کا ساتھ دیتی ہے، پھر اس ساتھ کو آپ آگے بڑھاتے ہیں۔ یقینا جب اچھا ساتھ مل جاتا ہے تو انسان کی، اور ان کو ہم سفر مل رہے ہیں، سفر کے مہینے میں ہم سفر ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ نور نیوز کی سکرین پہ یہ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو جگہ جگہ سے خوشی، پیار، درد، اخلاص، غم گساری، انسان دوستی کے منظر ہی نظر آئیں گے۔ چونکہ یہ مناظر ایسے ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں گے اور آپ کا دل باغ باغ ہوگا، آپ کا دل خوش ہوگا۔ جب آپ کا دل خوش ہوگا، خوشی آپ کے چہروں سے افشاں ہوگی، خوشی آپ کے چہروں سے عیاں ہوگی۔ تو یقیناً جب خوشی آپ کے چہروں سے عیاں ہوگی تو آپ کا رنگ بدلے گا، رنگ بدلے گا پھر سوچ بدلے گی، جب سوچ بدلے گی تب معاشرہ بدلے گا، جب معاشرہ بدلے گا تب بنے گا ایک صحیح معنوں میں وہ پاکستان کہ جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بن سکے، پاکستان ایسا ملک بنے کہ جس ملک میں جینے والے، رہنے والے، اس ملک میں اپنی سانس لینے والے، زندگی بسر کرنے والے جئیں اور زندگی بھرپور طریقے سے جئیں۔ یہ ایک بار ملتی ہے اور یہ اوروں کے لیے جئیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے۔ ہماری سوچ ناظرین یہ ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، ہم چاہتوں کے پیغام کو عام کریں، اور ماشاءاللہ یہ چاہتوں کے پیغام، اس میسیجز کو آپ یو کین واچ آن کوہ نور ٹیلی ویژن سکرین۔ اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد مرد حضرات موجود ہیں، صوفی محمد انور مدنی صاحب وہاں پر موجود ہوں گے، اور یہ تقریب کا آخری حصہ ہوگا۔ اقتدار کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں، پیار کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں، کچھ دکھانے کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں۔ ہال میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ عوام کا ایک غفیر ہے، عوام کا ایک جمع غفیر ہے۔ لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس خوشی کا اور اس تقریب کے اختتام کا بھی انتظار ہے کہ لوگ ایسے انداز میں یہاں پر موجود ہیں کہ ان کی سوچ کو ہم بدل سکتے ہیں، ان کے نظریات کو ہم بدل سکتے ہیں، ان کی باتوں کو بدل سکتے ہیں۔ ہم کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، کچھ کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، اور جستجو رکھنے والے کبھی رکتے نہیں ہیں، کبھی وہ آہستہ نہیں ہوتے، وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ جو کہ نکاح کی اس اجتماعی نکاح کی تقریب میں انعقاد پذیر ہے، جس میں حاصل پور میں 50 بیٹوں کی شادیوں کا سلسلہ صوفی ویلفیئر سوسائٹی، حضور قبلہ عالم کی بہتری کا تدبر شریعت، خواجہ بارگان الحاج خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب، ہاں
बेशक मेरे अमल में भोले नस्बत मेरी, बेशक मेरे